आज हम लोग देखेंगे फॉरेन की के बारे में, जो डीबीएमएस के बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। ये जो फॉरेन की है वो क्या है वो हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे फॉरेन की कहाँ यूज़ होता है, इसको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्यों बोलते हैं, वो विद एग्जांपल हम लोग आज इसको समझेंगे। फॉरेन की, ए फॉरेन की इज़ ए कॉलम इन ए टेबल हुज वैल्यूज मैच द वैल्यूज ऑफ ए प्राइमरी की कॉलम इन अनदर टेबल। मतलब दो टेबल रहेंगे, एक प्राइमरी की का टेबल होगा और एक फॉरेन की का टेबल होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही टेबल में हम लोग प्राइमरी की और फॉरेन की ले सकते हैं, दो अलग अलग टेबल में एक प्राइमरी की रहेगा और एक फॉरेन की रहेगा। प्राइमरी की से फॉरेन की रेफरेंस लेगा, पर प्राइमरी की ऑलवेज यूनिक एंड नॉट नल होता है, लेकिन फॉरेन की में क्या है वो यूनिक हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, एंड इसमें फॉरेन की में हम लोग नल वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं। ये मेन कुछ डिफरेंस है प्राइमरी की एंड फॉरेन की के अंदर। फॉरेन की ऑलवेज प्राइमरी की से रेफरेंस लेगा, इसीलिए इसको रेफरेंशियल बोलते हैं। एंड इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, देखिए इंटीग्रिटी मतलब जहाँ पर कहीं पर भी आप कोई भी वैल्यू को सर्च करो वो सेम रहना चाहिए, इसको बोलते हैं इंटीग्रिटी, जिसमें वैल्यू कंसिस्टेंट रहेगा। इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आप कहीं पर बुक खरीदना जाते हैं, तो जहाँ पर हम लोग तो ह्यूमन हैं, जहाँ पर हम लोगों को सबसे सस्ता कोई भी चीज़ मिलेगा वहीं से हम लोग कोई भी चीज़ परचेस करते हैं। तो अगर आप एक बुक को, मान लीजिए सीएस का एक बुक खरीद रहे हैं लोकल स्टोर से, वहाँ पर देख रहे हैं कुछ बुक्स के प्राइस आपका 100 रुपये है, बट जहाँ पर आपका बुक फेयर होता है वहाँ पर वो सेम बुक 90 रुपीज़ में हम लोगों को मिल रहा है, और कहीं पर आप ऑनलाइन पर अगर चेक करोगे तो वही बुक आपको 150 में मिल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, 90 रुपीज़ में जहाँ पर हम लोगों को बुक सस्ता मिल रहा है वहीं से हम लोग बुक को परचेस करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर सेम बुक है बट प्राइस यहाँ पर डिफरेंट है, तो इसमें क्या है इंटीग्रिटी जो है वो लॉस हो जा रहा है। लेकिन अब मान लीजिए आप एक कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी या फिर आप कोई भी कंपनी में जा रहे हैं, तो पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय आईडी से या फिर रोल नंबर से किसी पर्सन को अगर सर्च करोगे तो वहाँ पर हम लोगों को डेटा सेम दिखाना चाहिए। मान लीजिए एक्स नाम का कोई इंसान है जो सीएस डिपार्टमेंट में काम करता है, ये जो चीज़ है वो उसी कंपनी में अगर कहीं से भी आप पूछ लीजिए तो वो सेम ही बताएगा कि एक्स इंसान आपका सीएस डिपार्टमेंट में काम करता है। ये जो सेम चीज़ है यहाँ पर इंटीग्रिटी लॉस नहीं होना चाहिए। ये तो बुक जहाँ पर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इस बुक के लिए क्या है, अलग अलग जगह पर अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन होता है। ये डिपेंड करता है कौन सा सेलर है, कौन से वेंडर से ये बुक खरीद रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट इशू होता है, हर एक पर्सन का अलग अलग मैटर होता है। लेकिन अगर आप कंपनी में या फिर यूनिवर्सिटी में अगर पर्टिकुलर एक इंसान को अगर ढूंढ रहे हो तो उसका कोई इंटीग्रिटी लॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग डेटाबेस में इंटीग्रिटी अगर लॉस ना हो इसलिए हम लोग इसको फॉरेन की को यूज़ करते हैं, इसीलिए हम लोग फॉरेन की को रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बोलते हैं। सो आप लोगों को पता चल गया हम लोग फॉरेन की को रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डेटाबेस में कोई भी इंटीग्रिटी लॉस ना हो इसलिए। इसको अच्छे से एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर टू टेबल है, एक एम्प्लॉय का टेबल है और एक डिपार्टमेंट का टेबल है, जिसमें ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये आपका प्राइमरी की है और ये जो ईआईडी है डिपार्टमेंट टेबल का ये है आपका फॉरेन की। देखिए एम्प्लॉय आईडी में हम लोगों ने डेटा रखा है एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3 एंड एम्प्लॉय 4 करके, जिसका नाम ए बी सी डी है, ये एड्रेस यहाँ से बिलोंग करता है, कोलकाता दिल्ली मुंबई हैदराबाद से बिलोंग करता है। यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय 1 जिसका आईडी है वो आईटी डिपार्टमेंट में काम करता है, मतलब ए आपका इसी टेबल से आपको पता चल रहा है सेकेंड टेबल से कि ये आईटी डिपार्टमेंट में काम करता है। एम्प्लॉय 3 जिसका नाम है डी वो आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, और एम्प्लॉय 4 मतलब ई, ये जो एम्प्लॉय ई है
वो आपका एचआर डिपार्टमेंट में काम करता है, और एक डिपार्टमेंट है क्वालिटी। यहाँ पर हम लोगों ने कोई डेटा इसको दिया नहीं है। अभी देखिए, एक टेबल को मैनेज करने के लिए हम लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, कोई भी अगर हम लोग डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं या फिर अपडेट कर रहे हैं, ये तीनों चीज़ें एक टेबल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंसर्ट करना मतलब कोई भी न्यू डेटा हम लोग टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं, तो इंसर्ट करते समय हम लोगों को प्राइमरी की एंड फॉरेन की का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग इंसर्ट करेंगे। और डिलीट, मान लीजिए एक एम्प्लॉय इस कंपनी को छोड़ कर दूसरे कंपनी में चला गया, तो उसका डेटा हम लोग नहीं रखेंगे, तो उसको अननेसेसरी हम लोग डेटा को ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे, इसलिए हम लोग उसको डिलीट करेंगे। और अपडेट, अपडेट करना क्या, इसका अगर सैलरी हो या फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हम लोग कोई एम्प्लॉय को स्विच कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को अपडेट करना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग इंसर्ट को देखते हैं। अगर दो टेबल है जिसमें एक प्राइमरी की है और एक फॉरेन की है, तो उस टेबल के लिए पहले हम लोग एम्प्लॉय टेबल को लेते हैं। इस टेबल में अगर इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे एंड डिलीट करेंगे तो क्या कर सकते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम आ सकता है, ये हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं इस टेबल को क्या कहते हैं। एम्प्लॉय टेबल को हम लोग बेस टेबल बोलते हैं, और ये जो फॉरेन की टेबल है इसको हम लोग रेफरेंसिंग टेबल बोलेंगे, क्योंकि ये प्राइमरी की से फॉरेन की रेफरेंस ले रहा है, इसलिए इसको रेफरेंसिंग टेबल बोलेंगे। ये जो बेस टेबल है, इस बेस टेबल में अगर कोई भी डेटा हम लोग अलग से इंसर्ट करेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर एक डेटा इंसर्ट करेंगे, कोई एक नया एम्प्लॉय आया जिसका नाम है एक्स, वो आपके एम्प्लॉय आईडी है उसका 5 और वो दिल्ली से बिलोंग करता है। तो ये जो एम्प्लॉय है, इस डेटा को हम लोग क्या बेस टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो डेटा है, इस डेटा से इसका कोई लेना नहीं है। अभी क्या है, ये जो डेटा हम लोग बेस टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं, उस टेबल के लिए हम लोगों को फॉरेन की का डेटा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर हम लोग इंसर्ट करेंगे बेस टेबल में, तो इसमें कोई प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं आएगा, हम लोग इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देंगे, ये जो एक्स एम्प्लॉय है वो अगर क्वालिटी डिपार्टमेंट में रहेगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5 जो एम्प्लॉय आईडी है वो क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करता है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो बेस टेबल के लिए हम लोग कोई भी डेटा अगर इंसर्ट करेंगे, तो हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी नेक्स्ट देखिए, हम लोग कोई भी डेटा अगर डिलीट करेंगे, तो मान लीजिए हम लोग ये 2 की डेटा को, 3 जो एम्प्लॉय है वो मुंबई में जो रहता है डी, वो काम छोड़कर चला गया, तो इसकी डेटा को हम लोग अगर डिलीट करेंगे तो क्या होगा। डिलीट करने से टाइम हम लोग जब इस रो को डिलीट करेंगे, तो यहाँ पर एक एरर शो करेगा। ये जो एरर शो करेगा उस टाइम क्या होगा, ये दिखाएगा कि ये जो एम्प्लॉय 3 है वो डिपार्टमेंट टेबल में एज ए फॉरेन की तरह काम कर रहा है, ये डिपार्टमेंट 3 में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है। तो इसको डिलीट करने से पहले ये डेटा को पहले चेक कर लीजिए। तो हम लोग उसको कैसे डिलीट करेंगे, एक तो है हम लोग सबसे पहले ये डिपार्टमेंट टेबल से 3 डेटा को डिलीट करेंगे, उसके बाद बेस टेबल में डेटा को डिलीट करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर डिलीट करने से हम लोगों को डेटा डिलीट करने से प्रॉब्लम आ सकता है। मे बी क्यों लिखा, देखिए 2 एम्प्लॉय का जो रो है वो देखिए यहाँ पर फॉरेन की में, फॉरेन की के टेबल में नहीं है। तो हम लोग इस 2 की डेटा को अगर डिलीट करेंगे, तो बेस टेबल से डिपार्टमेंट टेबल में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग 2 की डेटा रो को ईजिली डिलीट कर सकते हैं, बट जब भी कोई भी फॉरेन की उस टेबल में एज ए प्राइमरी की तरह या काम कर रहा है, या फिर फॉरेन की यहाँ पर इस टेबल में है, तो इसीलिए ये 3 रो को जब हम लोग डिलीट करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए हम लोगों ने लिखा डिलीट करने से हम लोगों को मे बी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, हर टाइम नहीं बट हो सकता है। तो इसके लिए हम लोगों का सॉल्यूशन क्या है, अभी देखते हैं। एक सॉल्यूशन तो मैंने पहले बताया, पहले डिपार्टमेंट टेबल से डेटा को डिलीट कीजिए, उसके बाद ये बेस टेबल से 3 रो को डिलीट कीजिए।
उसके अलावा भी क्या है, हम लोग लिख सकते हैं ऑन डिलीट कैस्केड। ऑन डिलीट कैस्केड करेंगे तो ये रो डिलीट हो जाएगा, बट इसमें कोई मेन टेबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये डेटा आप लोगों को कोई शो नहीं करेगा। या फिर हम लोग लिख सकते हैं ऑन डिलीट सेट नल। तो इसमें क्या होगा, ये जो डिपार्टमेंट टेबल में है थ्री जो एम्प्लॉय का है, यहाँ पर वो नल हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग नल वैल्यू दे देंगे। इसमें क्या हो सकता है, ये जब हम लोग ये ऑन डिलीट सेट नल करते हैं तो इसमें कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि देखिए ये एम्प्लॉय आईडी इस बेस टेबल के लिए ये प्राइमरी की है, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये प्राइमरी की और ये फॉरेन की कभी कभी प्राइमरी की तरह भी काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये फॉरेन की है इसीलिए इस डिपार्टमेंट में कोई प्राइमरी की नहीं रहेगा, इस डिपार्टमेंट टेबल में भी तो एक प्राइमरी की रहेगा, वो प्राइमरी की फॉरेन की को भी हम लोग ले सकते हैं। तो उस टाइम क्या होगा, फॉरेन की अगर प्राइमरी की तरह काम करेगा तो वहाँ पर हम लोग नल वैल्यू नहीं दे सकते, तो उस टाइम हम लोग वही करेंगे ऑन डिलीट कैस्केड। इससे क्या होगा, मेन टेबल में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा बट हम लोगों का डेटा डिलीट हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इंसर्ट करने से बेस टेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट डिलीट करने से कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है अपडेट। अभी इसी बेस टेबल में अगर कोई भी अपडेट करना है तो उसमें भी क्या प्रॉब्लम आ सकता है। मान लीजिए ये जो फोर एम्प्लॉय है, जिसका एम्प्लॉय आई डी 4 है, इसका एम्प्लॉय आई डी चेंज करके हम लोगों को इसको 40 बनाना है। तो ये जो 40 हम लोग अगर करेंगे तो इसमें क्या होगा, बेस टेबल में देखिए इंटीग्रेटिव डेटा लॉस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इसको अपडेट करके 40 करेंगे बट यहाँ पर जो फॉरेन की है, यहाँ पर देखिए फोर एम्प्लॉय एचआर डिपार्टमेंट में काम करता है, वो तो एज इट इज़ रहेगा, इसमें भी तो हम लोग अपडेट नहीं कर पाएंगे। पहले हम लोग बेस टेबल को समझ रहे हैं, इसीलिए अगर इसको 40 किया तो 40 करने से पहले हम लोगों को देखना होगा ये जो फोर एम्प्लॉय है वो फॉरेन की टेबल में है या नहीं। अगर है तो उसको पहले अपडेट करना होगा, उसके बाद ही हम लोग इसको अपडेट करेंगे। तो इसमें भी अपडेट के टाइम पे भी हम लोग बोल सकते हैं मे बी क्रिएट प्रॉब्लम। तो इसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। लेकिन देखिए ये जो टू एम्प्लॉय है, इसको अगर हम लोग 20 करेंगे तो इसमें क्या है, टू एम्प्लॉय नहीं है डिपार्टमेंट टेबल में, डिपार्टमेंट टेबल में 20 एम्प्लॉय नहीं है, तो इसको हम लोग इजीली अपडेट कर सकते हैं। बट ये जो फोर एम्प्लॉय है, जिसका एम्प्लॉय आई डी 4 है, उसको अगर हम लोग 4 की जगह 40 करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए अपडेट करते टाइम भी हम लोगों को बहुत ही ध्यान से अपडेट करना होगा। इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, जैसे यहाँ पर डिलीट लिखा ऑन डिलीट कैस्केड, वैसे ही हम लोग ऑन अपडेट कैस्केड कर सकते हैं। उसके बाद ऑन डिलीट सेट नल कर, ऑन डिलीट की जगह हम लोग अपडेट अगर लिख देंगे, अपडेट यहाँ पर अगर हम लोग लिख देंगे तो ऑन अपडेट सेट नल वो भी हो सकता है। एक और एक्स्ट्रा है, वो है आपका ऑन अपडेट नो एक्शन। ये जो कुछ टर्म है ये आपके डेटाबेस में इनबिल्ट है, आपके डीबीएमएस में इनबिल्ट होते हैं, जो हम लोग एसक्यूएल क्वेरी में लिखते हैं वो एसक्यूएल क्वेरी में ये इनबिल्ट होता है। ऑन डिलीट कैस्केड वो हम लोग डिलीट के लिए यूज़ करते हैं, और ऑन अपडेट नो एक्शन मतलब ये हम लोग अपडेट करेंगे बट इसमें डिपार्टमेंट जो फॉरेन की का टेबल है उसमें कोई भी डेटा का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। डिलीट के टाइम भी हम लोग वो कर सकते हैं ऑन डिलीट नो एक्शन। तो ये तो कुछ बेस टेबल के लिए है। बेस टेबल में क्या है, इंसर्ट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है बट डिलीट एंड अपडेट इन दोनों को करने से हम लोगों के बेस टेबल में इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो वो डिलीट और अपडेट जब हम लोग करेंगे तो बहुत ही ध्यान से हम लोगों को ये करना होगा। अभी आते हैं हम लोग रेफरेंसिंग टेबल में, मतलब फॉरेन की के टेबल में हम लोग अगर इंसर्ट डिलीट एंड अपडेट करेंगे तो उसमें क्या होगा। अभी देखिए ये रेफरेंसिंग टेबल जो डिपार्टमेंट है उसमें फॉरेन की है, उसमें अगर इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा।
जब भी हम लोग कोई इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, हम लोग कुछ भी अपने से इंसर्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 5 देते हैं जो क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करता है, लेकिन ये 5 डेटा हम लोग कहाँ से लेकर आए? ये तो हम लोगों के बेस टेबल में तो कोई 5 एम्प्लॉय आईडी का कोई टेबल है ही नहीं, डेटा है ही नहीं, तो हम लोग ये खुद से ये नहीं दे सकते। तो जब भी हम लोग रेफरेंसिंग टेबल में कोई भी इंसर्ट करेंगे डेटा, तो सबसे पहले वो डेटा बेस टेबल में मौजूद होना चाहिए। अगर मौजूद नहीं होगा तो हम लोग उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते, तो इंसर्ट करने से हम लोगों का वायलेशन हो सकता है। तो इसमें डेटा वायलेट होगा तो हम लोग इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। अभी आता है डिलीट। अगर हम लोग बेस टेबल में कोई भी डेटा को डिलीट करेंगे, जैसे मान लीजिए ये एम्प्लॉय 1 जो आईटी डिपार्टमेंट में है वो अभी काम नहीं कर रहा है, तो उसमें हम लोग इस एम्प्लॉय आईडी 1 को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये अभी आईटी में था, अभी एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, इसलिए हम लोग आईटी डिपार्टमेंट में कोई भी वैल्यू को नहीं रख रहे। यहाँ पर हम लोग नल वैल्यू ले सकते हैं, तो नल रख के हम लोग इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को डेटा बेस टेबल को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग अगर डिलीट करेंगे रेफरेंसिंग टेबल में तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डिलीट करने से हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। अभी नेक्स्ट आता है क्या, अपडेट। यहाँ पर भी रूल सेम है, इंसर्ट करने से जैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं एसक्यूएल क्वेरी में, वही क्वेरी लिख के हम लोग डेटा को इंसर्ट करेंगे। डिलीट करने से हम लोगों ने वो बताया, ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन डिलीट सेट नल एंड ऑन डिलीट नो एक्शन, ये तीनों कमेंट को लिख के हम लोग डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वो हमारा अपडेट। अगर हम लोग रेफरेंसिंग टेबल में कुछ भी अपडेट करेंगे तो उसके उसमें क्या होगा, मान लीजिए ये जो एम्प्लॉय 3 है इसका एम्प्लॉय आईडी हम लोग 30 कर रहे हैं, 30 जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, लेकिन यहाँ से हम लोग ये 30 को कैसे अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बेस टेबल से प्राइमरी की से रेफरेंस ले रहा है। तो प्राइमरी टेबल में अगर कोई 30 डेटा ही एम्प्लॉय आईडी 30 होगा ही नहीं, तो इसको हम लोग अपडेट कैसे करेंगे? हम अपनी मर्जी से तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 30 को अपडेट नहीं कर सकते, या फिर 40 को 41 नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेस टेबल से रेफरेंस ले रहा है। अगर बेस टेबल में होगा, जैसे इंसर्ट के टाइम हम लोगों को डेटा कुछ भी अपनी मर्जी से इंसर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोगों को बेस टेबल को चेक करना होगा। उसी तरह से अगर हम लोग अपडेट भी करेंगे तो उसके लिए भी हम लोगों को बेस टेबल को चेक करना होगा। अगर बेस टेबल में कोई डेटा नहीं होगा तो हम लोग ये खुद से अपडेट नहीं कर सकते हैं। अपनी मर्जी से 1 को हम लोग 21 नहीं कर सकते हैं, 30 को 31, 30, 35 ऐसे कुछ भी हम लोग अपने से डेटा नहीं दे सकते हैं। तो ये जब अपडेट करेंगे तो भी ये हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मे बी क्रिएट प्रॉब्लम। क्यों, देखिए हम लोग अगर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रो को इंसर्ट करेंगे जो आपका होगा सीएस का डिपार्टमेंट या फिर आपका सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट, अगर हम लोग इसको नाल छोड़ के ये सिक्योरिटी अलग से एक डिपार्टमेंट हम लोग अगर इंसर्ट करेंगे तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ऐसे कंपनी में कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोगों को सिक्योरिटी अलग से एक डिपार्टमेंट बनाना है, तो हम लोग अलग से एक सिक्योरिटी को कर लिख के एक डिपार्टमेंट बना सकते हैं, जिसमें कोई कौन सा एम्प्लॉय काम कर रहा है वो भी हम लोग एम्प्लॉय आईडी से देख सकते हैं। तो उस टाइम क्या होगा, हम लोगों के लिए अपडेट करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये लिख रहे हैं मे बी क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता है। ये है
प्राइमरी की एंड फॉरेन की के लिए कुछ डिफरेंसेस। फॉरेन की को हम लोग जब यूज़ कर रहे हैं तो इसमें इंसर्ट एंड अपडेट करने से प्रॉब्लम हो सकता है, बट डिलीट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह से हम लोग अगर बेस टेबल में करेंगे तो इंसर्ट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब भी हम लोग अपडेट या फिर डिलीट कर रहे हैं इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। उसमें भी मे बी हम लोग यूज़ करते हैं। मे बी क्यों, वो मैंने बताया, कभी कभी अपडेट या फिर डिलीट करने से मे बी प्रॉब्लम हो सकता है या फिर प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग ये मे बी वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया फॉरेन की एंड प्राइमरी की क्या है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जो आपके इंटरव्यू में भी या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकता है। तो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको प्राइमरी फॉरेन की को हम लोग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्यों बोलते हैं वो आप लोग समझिएगा, क्योंकि हम लोग डेटा कंसिस्टेंसी को लॉस नहीं होना देना चाहते हैं, इसलिए हम लोग फॉरेन की को रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है आपके डीबीएमएस के लिए।